नहीं जी, मैं निकल आया हूँ घर से और सफ़र का आगाज़ किया है। धूप आहिस्ता आहिस्ता निकलती आ रही है और मौसम कदरे बेहतर होता जा रहा है। सुबह थोड़ा सा क्लाउडी था और मैं घर से निकल के एक पॉइंट है वहाँ पे वेट करूँगा, बाकी आवाम जो है वो वहाँ पर ही आएगी। जनाब ये लें जनाब, आवाम आ गई है और हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये ले जी, चार लोग पूरे हो गए हैं और अब हम लोग एक रो में जा रहे हैं और यहाँ से हम लोगों ने आगे जाना है पीर सुहावा की तरफ। दामने को के रास्ते में हम लोग यहाँ से पीर सुहावा तक जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग आगे नथिया गली के लिए मुड़ेंगे। अभी हमने दामने को क्रॉस किया है और अभी हम लोग पीर सुहावा के रास्ते में, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आपको पीर सुहावा के बाद के सीन दिखाते हैं। पीर सुहावा क्रॉस किए हुए हमको तकरीबन 6 किलोमीटर हो गए और अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मारगला की पहाड़ियाँ ही हैं, अभी हमने केपीके में एंटर नहीं हुए। एक स्टॉप लिया है, ये सामने आपको रावल डैम नज़र आ रहा है। ये जनाब हम कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर रहे हैं इस शॉप से और ये मेरी बाइक खड़ी है। चलें जी, अब हम लोग सफ़र रिज्यूम कर रहे हैं अपना और ये बड़ा ख़ूबसूरत सा एक पैच हमको नज़र आ रहा है। ये देखें पहाड़ियाँ और ये ख़ूबसूरत रास्ता। हमने एक रास्ते में स्टॉप किया है और ये जो थाना लोरा है उसकी हदूद का इख्तिताम है यहाँ से। और ये देखिए जनाब व्यू बहुत खूबसूरत है। ये जनाब हम लोग आ गए हैं पुरानी मरी रोड के ऊपर, घोड़ा गली से हम लोग एंटर हुए हैं और अब हम लोग बाकी का सफ़र अपना इस वाली रोड के ऊपर करेंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत दरख्त और बहुत खूबसूरत ऑटम आया हुआ है। हमने जी झीका गली क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग नथिया गली रोड के ऊपर हैं और मेरे ख्याल में आधा घंटा और लगेगा जो हम नथिया गली पहुँचेंगे। अब ये देखें जनाब, साइडों पर हमें थोड़ी सी बर्फ़ नज़र आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रात में या किसी टाइम कल बर्फ़बारी हुई है हल्की सी, लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है और ये सिर्फ उस साइड पर है जो पहाड़ पे जहाँ पे धूप नहीं आती, इस वजह से ये अभी तक रुकी हुई है। वो जगह जहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके हैं, ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई है और ये वो कुकड़ फिर रहा है जो हमने खाना है और ये वो होटल है। बाकी इधर खरीद भी नहीं पैनी है, जी तुम दस रहे अपनी खरीद भी नहीं पैनी, पता है अपना है 2800 रुपया
ये देख लें जी, ये थी वो कढ़ाई देसी कुकड़ की जिसको हम खाने के लिए नथिया गली तक आए थे, और ये कढ़ाई इस मुर्गे के दोस्त की है। ये नथिया गली, सनसेट होने में अभी तकरीबन आधा घंटा है और हम लोग सारे यहाँ बैठ के जनाब। फिर आपने खाने को कैसा पाया? मज़ा आ गया? ये लें जी, वापसी का सफ़र अब शुरू कर रहे हैं और बाइक्स हमारे तैयार हैं। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और कॉफ़ी जो है हम लोग या चाय रास्ते में पियेंगे। तो ये थी वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था, देसी कुकड़। ये देखिए, वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ वापस। तो चलें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी लेंगे यार, ले जी चाय ब्रेक आ गया एक, तो नमाज का भी टाइम था, साथ में चाय भी पियेंगे। ले जी वापसी शुरू हो गई है, इस्लामाबाद की तरफ डिसेंड कर रहे हैं अभी हम लोग। तो ये था हमारा नथिया गली का ट्रिप बाइक के ऊपर। मगरिब की अज़ान हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है, और मैं इस वक्त नथिया गली और मरी के दरमियान किसी जगह पर हूँ। बारा कऊ के पास आके हम लोग फंस गए हैं दोबारा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ले जी इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपसे मिलेंगे किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।